14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी बड़ी रैली करती है, एनटीसीए रैली। रैली में पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाषण करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है? और इतनी सारी हेट स्पीच दादा बोलते हो आप सब लोग, ये हेट स्पीच नहीं लगती क्या आपको? खराब नहीं है? घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये खराब नहीं है? और साहब देखिए जिस हेट स्पीच का वो जिक्र करे हैं, वो तो पुलिस जांच करिए, जो कानूनन होगा वो करेंगे। परंतु वो हेट स्पीच के बाद कुछ नहीं हुआ। ये 14 दिसंबर की रैली के बाद 16 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना शुरू हो गया, और वहीं से ये चीज की मान्यवर शुरुआत हुई। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके बाद 24 एक स्पीच होती है 17 फरवरी को। दादा ध्यान से सुनना, 17 फरवरी को एक संगठन चलाते हैं, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। नाम तो इतना पायस है कि हमको भी सुनने जाने का मन होगा। भाषण क्या करते हैं? हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम उनको बताएंगे कि हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है। ये बताने के लिए मैं सब लोगों को, धर्म का नाम नहीं बोलता हूं, अवाम को हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ रोड पर आने के लिए आह्वान करता हूं। और 24 तारीख को दंगों की शुरुआत होती है। ये 17 तारीख को, ये हेट स्पीच नहीं है मान्यवर, ये हेट स्पीच नहीं है, क्योंकि वो वोट बैंक को एड्रेस करती है, इसलिए वो हेट स्पीच नहीं मान्यवर। उसके बाद वारिस खान पठान, जरा सुनना भाई ओवैसी जी, वारिस खान पठान 19 फरवरी 2020, 24 तारीख को दंगे होते, 19 फरवरी को क्या हुआ? 19 फरवरी को वो कहते जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छीननी पड़ती है। 15 करोड़ हम हैं, कौन है मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ हैं, मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, रोड पर निकल आओ। मान्यवर, 24 को दंगा होता, सुनिए ना, बयान वापिस लेने से क्या है साहब? एक सर बैठ जाइए। मान्यवर, बयान वापिस लेने से नहीं होता, सोशल मीडिया के जमाने में वायरल होने से हेट स्पीच अपना असर दिखाती है। 19 फरवरी को ये बयान आया, 24 को दंगे होते। मान्यवर, और मैं बताना चाहता हूं कि इन उत्तेजनात्मक भाषणों के बाद 23-22 फरवरी की रात को और 23 की सुबह दिल्ली में 8-9 जगह पर अलग अलग प्रकार के धरने और उत्तेजक वातावरण होना शुरू हुआ, जो जाकर 24 तारीख को दंगों में परिवर्तित हुआ। मान्यवर, एक भाषण, वो भी हेट स्पीच हो सकती है, पुलिस जांच करेगी, परंतु एक भाषण जिसके 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ वो आपको हेट स्पीच दिखाई पड़ती है। 19 तारीख को 22 तारीख को होते हैं जिसके बाद दंगे हो जाते हैं, वो हेट स्पीच नहीं दिखाई पड़ती है। हम कम से कम इस सदन के अंदर राजनीतिक रंग से कॉम्युनल दंगों जैसे संवेदनशील मामले को न ट्रीट करें, ये मेरा सबसे कहना है। इन्होंने कहा मान्यवर, मैं इसलिए कहता हूं कि ये षड्यंत्र है मान्यवर। सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 60 अकाउंट ऐसे मिले जो 22 के दिन शुरू हुए और 26 के दिन बंद हो गए, 60 अकाउंट। और वो क्या समझते हैं, बंद करने से बच जाएंगे क्या? जहां पर भी है पुलिस ढूंढ कर निकालेगी। मान्यवर, 25 मामले हमने आईटी एक्ट के तहत दर्ज कर चुके हैं, उनको भी ढूंढ कर निकालेंगे। ये जो कठोर कार्यवाही करते हैं वो बाद में कहीं आ न जाए बचाने के लिए, मेरा इतना ही सबसे निवेदन है। मान्यवर, हमने विज्ञापन और सोशल मीडिया से भी अफवाहों से दूर रहने का हमने किया। मान्यवर, पैसा भी दिल्ली में पहुंचाया गया है, ये भी षड्यंत्र का हिस्सा है, हम इसकी तह तक जाएंगे।
इसकी रिसीव करने वाले लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मगर पैसा भी पहुंचाया गया, सोशल मीडिया से भड़काया गया। उसके खिलाफ 14 दिसंबर, 17 फरवरी, 19 फरवरी, 22 फरवरी गंदे भाषण किए गए और ट्रंप आए तभी करो इस तरह से उकसाया गया। मैं मान रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पुलिस अभी ढूंढ रही है कि इसके पीछे क्या हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा दंगा जो हुआ उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी जली है, मुझे भी भयंकर दुख है, वेदना भी है। किसी की काले पसीने की, घाड़े पसीने की कमाई दंगों में जलकर राख हो जाए, मगर मैं आज दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, हमने क्लेम कमीशन के गठन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को पत्र लिख लिए हैं। वीडियोग्राफी के आधार पर जिन्होंने दुकान जलाई है, जिन्होंने व्हीकल जलाए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियां जलाई है, वो सारे लोगों को पकड़कर उनका सारा संपत्ति, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, ये मैंने बैठ जाए बालू जी, मैं बताता, आपने शायद वो ट्रांसलेशन नहीं लगाया है। हमने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इसके लिए आप एक हाईकोर्ट के जज का नाम दीजिए, ये पुलिस नहीं करने वाली है, हाईकोर्ट के जज ही करने वाले हैं। तो आपको आश्वस्ति के लिए मैं कह रहा हूं, हमने ऐसा ही पत्र लिखा है और आज रजिस्ट्रार ने पत्र दिल्ली के चीफ जस्टिस आपके सामने माननीय दे दिया है। माननीय, मैं अभी अपने बर्क साहब कहते थे कि कितने हिंदू मरे, कितने मुसलमान मरे, कितने दुकानें हिंदुओं की जली, कितनी दुकानें मुसलमानों की जली, कितने घर जले। मनोहर में आंकड़ा जरूर देता है, 52 भारतीयों की मृत्यु हुई। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं मानता, 52 भारतीयों की मृत्यु हुई है, 526 भारतीय घायल हुए हैं, 371 भारतीयों की दुकानें जली हैं और 142 भारतीयों के घर जले हैं। ये सदन को भी हम हिंदू मुसलमान में बांटेंगे क्या? इस प्रकार से दंगों की चर्चा में इस प्रकार से आंकड़े मांगे जाते हैं? नहीं, छोड़ नहीं देता हूं, मैं आंकड़े तो देता हूं, हिंदू मुसलमान नहीं करता। और ओवैसी जी ने बड़े जनून के साथ कहा कि मस्जिद जल गई, वो इसी साहब मंदिर भी जले, जरा तनिक इसके लिए भी दुख व्यक्त कर देते। मैं मंदिर और मस्जिद दोनों जले हैं, दोनों के लिए दुख व्यक्त करता हूं। कोई भी धर्मस्थान, चाहे गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, नहीं जलना चाहिए। आपने जुबेर का उदाहरण दिया, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम नहीं छोड़ेंगे जुबेर के कातिलों को, परंतु साथ में आईबी के अफसर शर्मा के शरीर पर 400 घाव लगा दिए, वो भी बोले होते तो सदन की शोभा बढ़ती, था सदन की शोभा बढ़ती। और एक वाक्य शुरू में बोले, बाद में सारे नाम आप, मैंने ध्यान से सुना है, और कम से कम आप वारिश भाई को समझा देते तो भी काफी भला हो जाता। माननीय मान्यवर, दंगों का इतिहास मान्यवर आपका बात तो बहाना ढूंढ रहा है। माननीय वो कह रहे थे कि हमारे समय में दंगे होते हैं, काफी सदस्यों ने चीजें रिकॉर्ड पर रखी, मैं तह में जाना नहीं चाहता, परंतु एक आंकड़ा जरूर कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में दंगों में मारे गए लोगों में 76% लोग कांग्रेस के शासन में मारे।